आज के संकुल स्तरीय मेघा पालक शिक्षक सम्मेलन में हमारे बीच पधारे समस्त पालक गणों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारे बीच पहला मौका है जो इतने बड़े भव्य कार्यक्रम आप सम्मानी सरपंच उप सरपंच महोदय ग्राम पंचायत सलोना आपके अनुरोध आपके प्यार मंच पाकर अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करेंगी। अनुभव स्वागत के लिए गरिमा सम्मानी गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं हमारे वरिष्ठ संपूर्ण सम्मेलन सम्मानी सुरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और गुप्ता सर का स्वागत करेंगे। मैं ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सम्मानीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमारे सरस्वती देवी के तेल चित्र पर पुष्पांजलि भेंटकर इस कार्यक्रम की विधिवत स्वागत करके सभी सम्मानीय अतिथि महोदय से अनुरोध कृपया सभी आ जाएंगे। हर महीने शिक्षक पालक बैठक होती है, पालक को उसके बाल्य के बारे में एक एक चीज बताई जाती है कि आपका बच्चा कहाँ कमजोर है, कहाँ अच्छा है, क्या कमी है, कैसे सुधार हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, विद्यालय को क्या करना चाहिए। यही चीज हमारे सरकारी विद्यालयों में कभी भी आज से पहले शेयर नहीं होता। हम एक दूसरे के साथ इस तरह से अपने बच्चे को ले गए नहीं रहे। हम उस परंपरा को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को हमारे सरकारी विद्यालयों में भी शुरू करने का प्रयास किया है और उसका ये आज पहला प्रतिबिंब आप देख रहे हैं। यहाँ आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे शिक्षकों के साथ जुड़ेंगे, आपको आपके बच्चे की हर अच्छाई हर बुराई से अवगत कराया जाए, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये भी आपको बताया, आप उसमें किस तरह से सुधार ला सकते हैं ये भी आपको बताया। बच्चा घर पर आपके समय में यदि बदमाशी करता है या पढ़ाई नहीं करता है, आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, तो ये चीजें आप जो बच्चे के बारे में फाइंड आउट करते हैं, आप जो बच्चे के बारे में कमी पाते हैं, जो अच्छाई पाते हैं, वो चीज आप हमारे शिक्षकों से शेयर करेंगे, हमारे शिक्षकों को अवगत कराएंगे, तो हमारे शिक्षक भी उसका निवारण करने का यहाँ प्रयास करते हैं। यदि हम दोनों यदि मिल करके प्रयास करेंगे तो एक बच्चे को उसकी उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन प्रयास हम दोनों का होगा तभी से। अकेले के प्रयास से आज तक नहीं हो पाया, आगे भी नहीं होगा। अकेले के प्रयास से आज तक नहीं हो पाया। जो हमारे बच्चे निकलते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसमें शिक्षक का रोल होता है बट पेरेंट्स का रोल बहुत ही कम होता है। हमारा प्रयास है कि पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े, अपने बच्चों के बारे में समझे जाने और घर पर भी वही वातावरण निर्मित हो सके जो वातावरण हम स्कूलों में निर्मित है, जो प्रयास हम स्कूलों में। आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, ये बताता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितने उतावले हैं, कितने बेचैन हैं, कितने बेकरार हैं। हम सब मिलकर उन बच्चों के भविष्य की ओर बात करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल किस तरह बदल रहा है। स्कूल समुदाय से अलग नहीं है, समुदाय का हिस्सा है। स्कूल के साथ हम शिक्षक भी
उससे जुड़े हुए हैं तो हम भी आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके अपने हैं, आप हमें अपनाइए, शाला को अपनाइए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो समुदाय के बच्चे आते हैं हमारे साथ, आपके पास हमारे पास 6 से 8 घंटे रहते हैं, आपके पास 18 घंटे रहते हैं, आप हम सब मिलकर अगर हम काम करना चाहें तो बच्चा एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। पहले केवल शिक्षा हुआ करती थी, पढ़ने लिखने की, अब उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया है, खेल कूद जोड़ दिया गया है, लाइब्रेरी किताबें जोड़ दी गई हैं, उसमें जोड़ दिया गया है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, कि बच्चा जब स्कूल से निकल के बाहर जाएगा तो अपने भविष्य में क्या क्या कर सकता है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश करने के लिए हम सब यहाँ मिलकर बैठे हुए हैं। कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी पहचान अलग होती है, जब बच्चा आता है तो कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटी को हमें पहचानना है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा बेहतर उनके माँ बाप जानते हैं और दूसरा शिक्षक जानते हैं कि कौन सा बच्चे में ज्यादा बेहतर कर सकता है, क्या वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, क्या अच्छा वो साइंटिस्ट बन सकता है, कि अच्छा वो गणितज्ञ बन सकता है, क्या क्वालिटी है, क्योंकि ऊपर वाला हम जिस भी नाम से जानते हैं किसी भी इंसान को बिना किसी हुनर के भेजता नहीं है, हमें उस हीरे को तराशना होता है, जन्मजात उत्सव में होती है, वक्त के साथ हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, हमें उन इच्छाओं को बच्चे को दबाना नहीं है बल्कि उनको निखारना है। किस तरह होगा इसके बारे में हम आपके बातचीत करेंगे, आज हम कुछ देर आपके साथ बैठे हुए हैं, तब हम स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया, आप क्या सीखे, आपने क्या आज का होमवर्क कर लिया, इन सारी चीजों पर हमें बातचीत करना है। ये बहुत जरूरी है, हमारे बहुत सारे पालक वर्ग हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ ये बातचीत करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मेरे माँ बाप जान रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हमें अपनी कमजोरी नहीं बताना है बल्कि बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने भी सीखना है। दूसरा, जब हम मेरा होना की बात करते हैं तो संभव हो सके तो छोटा टेबल की व्यवस्था कर दें, नहीं हो सके तो चटाई दे दें, जमीन में बैठ के बच्चा पढ़ लेगा और उस कोना में कुछ ऐसा चीज रखिए वो अपना बस्ता रखे, किताब काफी रखे, अपना होमवर्क कर सके, उस कोने में बच्चे जो क्रिएटिविटी करता है, कुछ ड्राइंग पेंटिंग करता है, उन चीजों को चिपका सके, अपना एक टाइम टेबल स्कूल का और अपने घर में किस वक्त में कौन सा विषय पढ़ेगा इस पर भी बच्चे एक टाइम टेबल बनाकर उन्हें चिपकाए। अब इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम स्कूल में भी एक कोना बनाते हैं, उस कोने में बच्चों के लिए बहुत से ढेर सारी कहानियों को किताब लिखा है, आगे वाले हमारे वक्त बताएंगे कि हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं, स्कूल के कोना में क्या होता है, लाइब्रेरी बुक्स कैसे होती है, इन सब के लिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे वक्त बुलाता हूँ, वक्त ज्यादा होते जा रहे हैं। शिक्षक पालक सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सुंदर दुनिया में जन्म दिया जहाँ मैं आपसे मुखातिब हो पा रहा हूँ। इस शिक्षक पालक सम्मेलन में उपस्थित सम्मानी पुष्कर साहू जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत सरोना, राजकुमार सरोजिया जी, रामचरण साहू जी,
मातृशक्ति द्वय और सभी पालकों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज अगर हम कहें कि बच्चे जो है राष्ट्र के भविष्य हैं, तो भैया इस भविष्य को जन्म देने वाले तो आप ही हैं, आपके बगैर संभव नहीं है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भैया बच्चों को जो हौसला देने वाला सबसे पहला अगर कोई शख्सियत है यहाँ पर तो आप हैं। तो यहाँ पर इस शिक्षक पालक सम्मेलन में कुछ बातें होंगी, ये एक तरफा नहीं होगा, आप लोगों की तरफ से भी कुछ बातें आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने पालक हैं जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, कोई बता सकते हैं? एक बार ताली बजा दीजिए दीदी के। मेरी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और मेरी गुड़िया इसी स्कूल में पढ़ रही है, उसका नाम है अदिति ठाकुर और वो बहुत अच्छा पढ़ रही है। कुछ रखा है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो बच्ची डॉक्टर बनेगी, क्योंकि उनकी माँ ने सोच लिया है और जब माँ ने सोच लिया तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक सकता है क्या? नहीं है ना। और कितने पालक हैं जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं? मेरी जेठानी है, मेरी बड़ी बेटी रायपुर में है जो डिग्री का कोचिंग कर रही है, मेरी छोटी बेटी यही पढ़ती है अभी 10th क्लास में, उसका पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन था लेकिन बड़ी वाली को देख के वो भी अब आगे कोशिश कर रही है, तो वो खैरागढ़ में डांस का अटेंड करना चाहती है 12th के बाद, तो मैं चाहती हूँ जी आरती कोड़ोपी जी के लिए एक बार पुनः ताली बजा देंगे। देखिए ये एक माँ है जिन्होंने कुछ अलग से सोचा है, सब यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नौकरी करेगा मास्टर बनेगा पुलिस में जाएगा, है ना, यही सोचते हैं ना। लेकिन आरती कोड़ोपी जी ने क्या सोचा कि इनकी बच्ची जो है वो कला के क्षेत्र में जाएंगे, डांस करेंगे। देखिए बहुत कम पालकों को ये मालूम है कि पढ़ाई माने ये पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, आप खेल के क्षेत्र में देखिए ओलंपिक हो रहे हैं, है ना, खेल के क्षेत्र में जाइए, डांस के क्षेत्र में जाइए, गायन के क्षेत्र में जाइए, वादन के क्षेत्र में जाइए, कितने सारे क्षेत्र हैं, केवल पढ़ाई करके नौकरी करना नहीं। तो केवल दो ही माँ हैं जो चाहती हैं उनका बच्चा बने और बाकी देखो माताएं बोल रही हैं और पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग नहीं बनाना चाहते क्या? हाँ बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, चुपचाप रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ नहीं बोलेंगे? यस जी नमस्कार, मेरी बच्ची आवासीय स्कूल कन्या आवासीय स्कूल में पढ़ती है, यहाँ पे 9th क्लास में है अभी। जब भी उन्हें पूछा उसका मार्कशीट में भी लिखा होता है कि बच्चे आप क्या बनेंगे, लोग बोलते हैं पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा करके पढ़ाई कर रही है और अच्छी पढ़ाई कर रही है। एक कन्या आवासीय विद्यालय तो ना अभी बॉयज स्कूल में पढ़ रही है जी। वहाँ पर पढ़ाई कैसे चल रही है कुछ बताइए आपको? ठीक चल रहा है सर जी। कौन कौन विषय कौन कौन पढ़ा रहे हैं पूछे आप? अभी तो बात नहीं हुआ है जी। जरूर पूछिए जरूर पूछिए। देखिए जागृति साहू कन्या आवासीय विद्यालय में पढ़ती है और ये शासकीय बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरोना में पढ़ने जा रही है और उनकी बच्ची डॉक्टर बनेगी, वो बार बार यही लिख रही है ना, निश्चित रूप से डॉक्टर बनेगी। अभी जागृति साहू को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको हिंदी भी पढ़ाता हूँ अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, पूछिएगा है ना कि पढ़ाई कैसे हो रही, हिंदी कैसे पढ़ाते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जरूर पूछा कहाँ दिक्कत जा रही है। आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए, व्यक्तिगत रूप से, सर उसको अंग्रेजी में यहाँ दिक्कत जा रही है, सर उसको हिंदी में यहाँ दिक्कत जा रही है, बोलिए है ना, हम आपके लिए आपके बदौलत है। सरस्वती मैया की आज हम संपूर्ण स्त्री मेघा पालक शिक्षा सम्मेलन में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में जितने भी पालक उपस्थित है उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे पंचायत के उप सरपंच सम्मानीय
पीके साहू जी और हमारे गांव के पालक सम्मानीय भाई सुरोजिया जी, सम्मानीय भाई नेताम जी और यहाँ उपस्थित समस्त संकुल के शिक्षक शिक्षिकाएं, जो आप लोगों ने यहाँ पालक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा बहुत ही अच्छा था। आप लोगों ने बच्चे के बचपन स्तर से लेकर पूरे 12वीं क्लास तक के बारे में बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन बताए, जाति निवास के बारे में बताए, जो हमारे शिक्षा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस शॉर्ट कट में, बाकी तो आप लोग सबने सुन लिए हैं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व्याख्याताएं आप लोगों को बच्चे लोग के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दिए हैं। उस जानकारी को हम अगर अमल करते हैं अपने घर में अपने बच्चों से, तो निश्चित ही हमारे बच्चे आज हमारे देश के भविष्य बन के ही रहेंगे और आगे निश्चित ही वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस अधिकारी, टीचर, किसान, व्यवसायी है और सभी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा खाली नौकरी ही के लिए किया जाए, शिक्षा तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना हमारा कुछ भी सही नहीं है। जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे हमारे जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और आज शिक्षा के महत्व से ही सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है। इस योजना के माध्यम से आज कोई भी बच्चा वंचित नहीं है शिक्षा से, ना कोई भी बच्चा गरीब नहीं है। हर चीज के लिए सरकार आगे कदम उठा रही है। और मैं और आप लोगों को बता देती हूँ कि 12वीं तक की इच्छा से तो सब लोग सभी बताए कि शिक्षा में नवोदय विद्यालय से शुरू हो रही है ना, उसके बाद 12वीं तक की फिर बताए कि सैनिक स्कूल हो गया, प्रयास हो गया और आईआईटी हो गया है, इंजीनियरिंग बोलते हैं जो, और डॉक्टरी का हो गया और उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन हो जाते हैं। तो खास करके हमारे बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में एसटीएस इसकी जनसंख्या ज्यादा है और ये यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इनके लिए संविधान में बाबा साहब के देन से हमारे दिल्ली में यूपीएससी का फ्री कोचिंग होता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम रहती है और बच्चे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। बस टाइम टेबल को हम सेट कर लेते हैं और हमारा बच्चे यदि कोई अपने जीवन में लक्ष्य रखा है उसमें यदि हम सहयोग करें उन बच्चों को, तो वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा। और आज पढ़ाई का स्तर जो कि पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार के नेतृत्व में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का शुरुआत किया गया था और आज हमें देखने को मिल रहा है कि वास्तविक में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की पढ़ाई के स्तर आज किस स्तर तक पहुंच चुका है उसे देखकर हमें बड़ी खुशी महसूस हो रहा है और हमारे बच्चों का पढ़ाई का जो स्तर है उसमें काफी सुधार आया है। इसके लिए मैं सरकार को, वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार दोनों को धन्यवाद देता हूं और इसको संचालन करने वाले हमारे इस शाला के शिक्षकों को भी मैं कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके दिशा निर्देश में हमारे बच्चे अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, आपने कीमती वक्त निकाला और इस उम्मीद के साथ कि जब भी हम आपको अपने स्कूलों में बुलाएं आप जरूर आए। सभी जनप्रतिनिधियों का, सामान्य सरपंच मैडम, गुलाम मैडम, जनपद सदस्य मैडम, बहुत खुश हुए भैया साहू जी, तो अपने अपने बुला लेते हैं। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और उसके साथ में समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।